और सनातन पद्धति के अनुसार इस पवित्र पर्व को, रक्षाबंधन को, हमने सभी अपने कार्यकर्ताओं के, जो कि मेरे भाई स्वरूप हैं, सबके राखी बांध करके मनाया है। और यही ईश्वर से प्रार्थना की है कि मेरे सभी हिंदू भाई बहनों को, खासकर भाइयों को, भाइयों का दिन है, उनको इतना सुदृढ़ और सक्षम बनाएं कि वो अपने परिवार और हिंदुस्तान की रक्षा कर सकें और हम सब बहनों को उन पर गर्व। निश्चित तौर पर मैं पूरे हिंदुस्तान को बस यही संदेश देना चाहूँगी आज के शुभ अवसर पर कि माताओं बहनों को की इज्जत करें। ये जो केसेस बढ़ रहे हैं, रेप केसेस जो बढ़ रहे हैं, वो छोटी बच्चियों को लेकर के हैं, कोई भी हो, मैं 125 करोड़ की बात कर रही हूँ, इसमें मैं संप्रदाय विशेष को ना लेकर के सबकी बात कर रही हूँ। मेरा एक ही आह्वान है आज के इस शुभ दिन पर, स्वतंत्रता दिवस भी है, हिंदुस्तान तो नारियों की इज्जत के लिए जाना जाता है और यहाँ के पुरुष जो हैं वो जाने जाते हैं नारियों की रक्षा करने के लिए, चाहे शिव हों चाहे कृष्ण हों, इन्होंने तो स्त्रियों की इज्जत के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया और प्रकट हो गए, साक्षात प्रभु वहाँ पर प्रकट हुए जहाँ पर भी संकट में स्त्री हुई। तो ऐसी स्थिति में आज हिंदुस्तान के प्रत्येक पुरुष को चाहिए कि स्त्री जात किसी भी रूप में हो, वो छोटे वर्ष की हो या बड़ी आयु की हो, जो भी हो, उसकी इज्जत करें, माँ की इज्जत करें, बहनों की इज्जत करें, छोटी बच्चियों की इज्जत करें और हिंदुस्तान का परचम वैसा ही लहराएं जैसा कि द्वापर युग और सतयुग में हुआ करें।